नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। शोहरत और महारत दोनों हासिल करनी पड़ती है और हासिल करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। बदन के पोर पोर से पसीने की बूंद टपक रही हो, फिर भी परिश्रम जीत तोड़ करनी पड़ती है। ऐसे ही मेहनत बुलंदियों को छूती है। परिश्रम की इसी पराकाष्ठा का नाम है जयपुर के जैन ब्रदर्स, जिन्होंने पिछले 13 साल में वो मुकाम पाया है जिसकी हसरत हर किसी को होती है। आज के हमारे लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के पहले बिजनेस बादशाह हैं अमित जैन, जिन्होंने आगाज तो गैराज से की थी मगर अंजाम अरबों में है। साल 2009 जयपुर। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड थी और हाथों में विस्की की बोतल और साथ में था टूटा हुआ एक सपना। अभी तो एक साल भी ठीक से नहीं बीते थे। जिस सपनों के लिए रातों की नींद तक कुर्बान कर दी थी, वही सपना लगभग धराशायी हो चुका था। दो भाई बैंकरप्ट हो चुके थे, दो IITian अपनी सालों की जमा पूंजी खो चुके हैं, जो कमाया था सब कुछ गंवा दिया। दोनों भाइयों की हालत ऐसी कि कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। वो दौर था शेयर बाजार में आए भूचाल का, जिसमें लगभग करोड़ों रुपए अमित और अनुराग जैन के स्वाहा हो गए। सिर्फ 4-5 दिन में सालों की कमाई मिट्टी में मिल गई। लेकिन हौसला था, जुनून था, जज्बा था जो दोनों भाइयों को एक बार फिर से उठकर कामयाबी हासिल करने की हिम्मत देगा, और ऐसी हिम्मत कि वो अब झूम रहे हैं, गा रहे हैं और धमाल मचा रहे हैं। आज इसी हौसले और हिम्मत के गवाह अमित जैन TV9 भारतवर्ष के बेहद खास शो का हिस्सा है। कारदेखो.com के CEO और फाउंडर अमित जैन ने छोटे भाई अनुराग जैन के साथ मिलकर 2007-08 में कंपनी शुरू की। हमारी टीम ने जयपुर में उनके घर जाकर फर्श से अर्श पर पहुंचने की पूरी दास्तान सुनी, जिसे सुनना, जिसे जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। 2007 में चालू करी थी हमने, और जब हम आए थे यहाँ पर IT इंडस्ट्री होती नहीं थी और हम लोग टेक्नोलॉजी की कंपनी खोल रहे थे यहाँ पर। सबसे बड़ी तकलीफ हुई थी कि हम लोग टैलेंट कहाँ से लाएं। तो हम लोगों ने फ्रेशर्स को, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में काफ़ी हैं, यहाँ के फ्रेशर्स को लेके हमने एक कंपनी बनाई थी। तब मैंने अपने घर के गैरेज से चालू करी थी कंपनी। घर के गैराज से शुरू की गई कंपनी का सफर अगर करोड़ों तक पहुंचा है तो इसके पीछे अमित जैन की लगन और कमर तोड़ मेहनत है। सबसे कठिन समय आया कंपनी का जब 2009 में स्टॉक मार्केट क्रैश किया, तो कंपनी में एक्चुअली बैंकरप्सी आ गई। सारा का सारा पैसा 2-3 दिन में खत्म हो गया। तो वो एक कठिन समय था जब हमारे सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे थे। अमित जैन की कामयाबी यूं ही नहीं थी, उनकी सफलता का मंत्र था मुसीबत को मौके में बदलना। कैसे, खुद उनसे ही सुनिए। कभी भी समस्या कभी बड़ी नहीं होती, हमेशा अपॉर्चुनिटी लगती है मेरे को। तो इस चुनौती का सामना था कि इंश्योरेंस बिक्री थी, तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस चालू किया बेचना। फिर हम लोगों ने राजस्थान की जितनी माइग्रेंट लेबर थी, तो गवर्नमेंट के साथ हमने पार्टनर किया, उनको यहाँ पर कॉल सेंटर चलाया। हमने करीब 10 लाख के ऊपर कॉल लिए हैं माइग्रेंट लेबर को राजस्थान वापस लाने के लिए। तो हमारे जितने भी कॉल सेंटर कार के लिए चलता था, वो गवर्नमेंट के लिए चलने लगा। अमेरिका में नौकरी बीच में छोड़कर भारत वापसी और फिर बिजनेस एम्पायर खड़ा करना इतना आसान नहीं था। अमित जैन ने आसमान की बुलंदियां छूने से पहले अथक परिश्रम की, जिसका नतीजा है कि पिछले 12-13 साल में वेबसाइट पर 500 लोगों से 8 करोड़ लोगों के हिट का फासला तय हुआ है। दिल से बताऊं तो तब मुझे भी नहीं पता था इतनी बड़ी सक्सेस होगी। कार देखो, हर रोज साइट पर ट्रैफिक देते थे। उस जमाने में आता था कि अरे आज 500 लोग आ गए साइट पे, अच्छा 5,000 हो गए, वही नंबर 10,000 हुआ। आज हमारी साइट पर 8 करोड़ लोग आते हैं। भाई अनुराग और अमित दोनों IITian हैं, लिहाजा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर फ्रेंडली है। उन्हें पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। 2008 के अंदर हम लोग गए ऑटो एक्सपो और वहाँ पर जाके खूब सारी गाड़ियाँ देखी हमने।
फिर हमने उनको ऑनलाइन ढूंढा तो वो मिली नहीं इन्फॉर्मेशन, तो हमें लगा कि गैप है इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ मिल रहा है, और तब तक लोग इंटरनेट पे इतने आए नहीं थे। नहीं तो हम लोगों ने सारे ब्रोशर इकट्ठे किए, गाड़ी की डिक्की में डाले और जयपुर आके उसको 7 दिन में साइट लॉन्च कर दी। कंपनी की शुरुआत से ही गोल सेट था, सपने सेट थे, क्योंकि अमित जानते थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना होगा और सपने बड़े देखने ही होंगे। कंपनी का लाइफ टाइम गोल बनाया था हमने कि हमें एक $1 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। 1 बिलियन क्योंकि 1 बिलियन बड़ा नंबर होता था, तो हम लोगों ने सोच ये रखी थी, अपने गोल हमेशा बड़े बनाओ। बड़े गोल सेट करने वाला पहले कैसे था जरा सोचिए। 11वीं में एक नहीं 3-3 सब्जेक्ट में फेल, प्रिंसिपल के रहमो करम पर 12वीं में पहुंचे, लेकिन फिर पिता की सीख ने ऐसा बना दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले IIT, फिर अमेरिका, फिर बैंगलोर और आज करोड़ों की एम्पायर। अमित जैन की माने तो मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, और जिसकी बाजुओं में मेहनत का दमखम हो वो कभी अपने सपनों को गिरने नहीं देता। एक चीज जो मैं बच्चों को बोल सकता हूँ जो यहाँ टीवी देख रहे हैं अलग प्रोग्राम, अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं भी पहुँच सकते हो। अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो। वैल्यू सिस्टम जो मिला, हार्डवर्क, हम्बल, सैक्रिफाइसिंग, ये मेरे को अपने परिवार से मिला। अमित जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त फैन है, और यही वजह है कि उनका मानना है आत्मनिर्भर भारत ही हिंदुस्तान को वो मुकाम दिलाएगा जिसकी हर देशवासी कल्पना करता है। मोदी जी की सोच से मैं मतलब उनका फैन हूँ। जिस तरीके से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी की GDP बढ़ाने के लिए इमेजिन कर रहे हैं, सोच के हिसाब से अगर आप पूछोगे तो इससे अच्छी सोच हो ही नहीं सकती। आत्मनिर्भर भारत, मैं इस चीज़ में फुल्ली बिलीव करता हूँ। बेटा माइलेज देखा। बिजनेस जगत में CarDekho.com आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आपको नई कार खरीदनी हो या फिर पुरानी, टेस्ट ड्राइव करना हो या फिर इंश्योरेंस लेना, CarDekho.com हर जगह अपनी बेहतरी का झंडा गाड़ चुका है, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमित और अनुराग जैन ने खुद को खपाया, रातों की नींद कुर्बान की और आज भी इसी मिशन पर जुटे हैं कि उड़ना है आकाश में और दूर तलक उड़ते जाना है। परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अमित जैन की कामयाबी इसका जीता जागता उदाहरण है। बिजनेस जगत में एक और बाजीगर की बुलंदियां आसमान पर है। खेतों में किसान मेहनत करता है, अनाज उगाता है, और उसकी मेहनत को देश ही नहीं विदेशों तक अगर शोहरत मिलती है तो इसके पीछे हैं चमन लाल सेतिया ग्रुप के ज्वाइंट MD राजीव सेतिया, जिनका सक्सेस मंत्र हर एंटरप्रेन्योर के लिए रामबाण है। साल था 1974, देश में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक शख्स की खुली आंखों में बड़ा सपना भी पल रहा था। सपना पूरी दुनिया में नाम कमाने का, सपना बिजनेस में उतरकर अपनी बादशाहत बनाने का। अमृतसर में रोड साइड से शुरू हुए संघर्ष के सफर को गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लाकर खड़ा कर देना कोई आसान काम नहीं, लेकिन चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड के MD राजीव सेतिया ने ये सपना पूरा कर दिया। हम चावल के बिजनेस में 1974 में आए अमृतसर में, और 1977 में जनता गवर्नमेंट ने जोन खोल दिए थे, तो उसके बाद सारे इंडिया में हमने चावल का व्यापार शुरू कर दिया, और 80s में एक्सपोर्ट खोला गया था, और 82 से हम बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। संघर्ष और सपने को पूरा करने की लगन का ऐसा सामंजस्य बैठा कि 8,000 रुपए कमाने वाली कंपनी आज 800 करोड़ के विशाल टारगेट को टच करके आसमान की बुलंदियों को छू रही है। मेरे पास आज के दिन में रिकॉर्ड में एक इनकम टैक्स का फैसला ऑर्डर है अमरदास चमनलाल दोनों भाइयों का,
जिसमें 7-8 हज़ार की इनकम डिक्लेयर्ड है। अगर अब की बात करूं तो कंपनी का इस साल का रेवेन्यू है 800 करोड़ और पीबीटी बिफोर टैक्स 70 करोड़ का पीबीटी है। '74 में जब बासमती चावल का बिजनेस शुरू किया तो सप्लाई सिर्फ पंजाब में होती थी, लेकिन बिजनेस पर जब मेहनत का रंग चढ़ा तो पूरे भारत में महारानी चावल ब्रांड बन गया और हर जिले में सप्लाई चेन बन गई। आज दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में महारानी चावल का नाम चलता है। महारानी बासमती चावल का पहला कंसाइनमेंट 1982 में सिंगापुर गया। वो दिन है और आज का दिन है, राजीव सेतिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 89 में हमें रिकॉग्नाइज कर लिया था, गए थे एज एन एक्सपोर्ट हाउस। हम लोग इस समय 85-90 कंट्रीज के करीब हम काम कर रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स में हम हर जगह पहुंचे हुए हैं और इस हार्डवर्क में हमारी नेक्स्ट जनरेशन का रोल प्ले किया गया है। बंटवारे की टीस लिए 1947 में राजीव सेतिया के पिता चमनलाल सेतिया अपने भाई अमर दास के साथ पाकिस्तान से अमृतसर आए, सड़क किनारे बिजनेस की शुरुआत की। राजीव अपने पिता को याद करते हुए बताते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं सिर्फ अपने पिता की सीख और संस्कारों की वजह से। कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्रो होने के जो हमारे फादर ने दिए, वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि बिजनेस प्रिंसिपल से करो, ऑनेस्टी से करो। जो आपसे वेंडर डील करे ना, उसको नींद अच्छी आनी चाहिए आपको माल बेचने के बाद, और अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहो। यू विल ग्रो स्लोली बट यू विल डेफिनेटली ग्रो। पूरी दुनिया में अचानक आई एक बड़ी आपदा ने भारत के भी तमाम धंधों को बर्बादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने महारानी चावल को आसमान से जमीन पर आने से बचा लिया। अगर ये नहीं होता तो इंटरनेशनल पेमेंट कैसे आती? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आई, स्कैन से हो रहा था, मेल से हो रहा था, सारी चीज़ें, ये तो इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी भी ना होती तो ज़ीरो हो जाता है ना काम एकदम। अगर फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेमेंट होती बाहर से, कोई रेमिटेंस आ रही है थ्रू कुरियर अर्लियर सिस्टम्स के हिसाब से। डिजिटल हो रहा है, मोदी सरकार अपनी नीतियों और फैसलों से व्यापारियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल रही है। व्यापारियों को टैक्स के जंजाल से बाहर निकालने वाला जीएसटी भी सरकार के उन्हीं बड़े फैसलों में एक है, जिसे लेकर राजीव सेतिया सरकार की नीतियों से बहुत खुश नजर आते हैं। आगे हम जंगल ऑफ टैक्सेस में थे, ये जी परचेज टैक्स, ये जी सेल टैक्स, ये एक्साइज है, ये मेन तीन थे, छोटे छोटे चुंगी, ये वो मल्टीपल जंगल था। और आज एक जीएसटी है, सिंगल टैक्स इंटायर कंट्री के लिए है, बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट इस वजह से काफ़ी अच्छा हो गया है और इवेंचुअली और अच्छा होता जाएगा। बिजनेस में नई जनरेशन की बादशाहत को देखते हुए राजीव सेतिया युवाओं से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं। ईमानदारी और सिद्धांतों के पथ पर चलते रहना ही राजीव सेतिया का सक्सेस मंत्र है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है ना, क्लीन बिजनेस के, फेयर चलो बिजनेस में, फेयर विद योर कस्टमर, फेयर विद योर वेंडर्स एंड फेयर विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। देखो ना, आप पूरा टैक्स भरो, गवर्नमेंट ने आज 22% कंपनी के ऊपर टैक्स कर दिया, कुछ भी तो नहीं है। संघर्ष और कमिटमेंट की कसौटी पर खरा उतरने वाली चमनलाल एक्सपोर्ट लिमिटेड से हर किसी को सिर्फ एक ही प्रेरणा मिल रही है कि अगर इंसान ठान ले तो बिजनेस में सफलता का स्वाद चखकर बादशाह बनना बिल्कुल मुमकिन है।
टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, अगर आप इसमें माहिर हैं और परिश्रम करने से भी नहीं चूकते हैं तो फिर आपके बिजनेस में आपको कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वो मुकाम पाएगा आपका बिजनेस जिसे सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसे ही सफर के उदाहरण बने DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स ग्रुप। हमारे आज के तीसरे बिजनेस बादशाह हैं KL बंसल, जिन्होंने अपने बाजुओं के दम पर 1700 रुपए के पहले ऑर्डर से 700 करोड़ तक का शानदार सफर तय किया है। टीवी स्क्रीन पर बढ़ते ये नंबर आपके लिए भले ही एक नंबर मात्र हो, लेकिन KL बंसल के लिए ये कामयाबी के नंबर, उनकी जीतोड़ मेहनत के नंबर है। 37 साल में जो कमाया है ये नंबर ही इसके सबूत और गवाह है। 1983 में 10x10 के कमरे से शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का एक्सपर्ट बनने का ख्वाब था। जो पहला ऑर्डर मिला वो सिर्फ 1700 रुपए का था, मगर टेक्नोक्रेट KL बंसल की मंजिल कुछ और ही थी। नजर और निशाना कहीं और सेट था। कंपनी हमने 1983 में स्टार्ट की थी, और जब स्टार्ट की थी तो मैंने अपने ही ड्राइंग रूम में कुछ बोर्ड लगा के, ड्राइंग बोर्ड लगा के कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम शुरू किया था एक्चुअली। और हमारा पहला ऑर्डर करीब 1700 रुपए का था उस टाइम पे, जब हमने शुरू किया था 83 में। बंसल साहब को आसमान छूना था, मगर उन्हें इसका बखूबी इल्म था कि इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। पिछले 37 साल से जो मेहनत निरंतर जारी है, नतीजा ये है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी कंपनी को हर रोज नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। पेरेंट फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जो कि पलवल में सिचुएटेड है, उसमें करीब 1800 आदमी काम करते हैं, जिसमें 500 स्टाफ के लोग हैं और 1300 आदमी वर्कर हैं। पेरेंट कंपनी को छोड़कर हमारे पास दो बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जो कि पंजाब में हैं, और एक हमारे पास सेम प्लांट, जैसे जो काम हम यहाँ पे करते हैं वो एक थाईलैंड में है, और एक हमने अभी रिसेंटली एक विंड टावर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट गुजरात में लगाया है। और यदि हम इन सबकी टर्नओवर की बात करें तो करीब 650-700 करोड़ के करीब टर्नओवर हमारी वेरी करती है। KL बंसल को ग्लोबल भारत का लीडर बनना था, ये सपना था जिसे हकीकत में तब्दील करने का हुनर भी KL बंसल को पता था। उन्होंने अपनी लगन और परिश्रम के बल पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हर सपने को पंख लगाते हुए सपनों की उड़ान जारी रखी। हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट होनी चाहिए हमारे पास। कुछ सालों में तो हमने 70% अपने टर्नओवर का एक्सपोर्ट किया है, और हमको 3 साल लगातार गवर्नमेंट से एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसका मेन रीज़न यही है कि हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है शुरू से लेकर आज तक। जब भी हमको कोई नई टेक्नोलॉजी मिली है, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, चाहे हम उसको उस टाइम पे अफोर्ड कर सकते थे नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने इसको डिसीजन लिया कि हमको ये करना है। हम वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में इसलिए आए हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वक्त बदलता है, दौर बदलता है, तो बिजनेस का तरीका भी बदलता है। KL बंसल इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब दुनिया डिजिटलाइज हो जाएगी, लिहाजा KL बंसल की सोच और समझ से कंपनी को डिजिटल होने में देर न लगी। हमारे पास मतलब एक कंप्यूटर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था जिस टाइम पे एक्चुअली, तो उस टाइम पे हमने फर्स्ट कंप्यूटर लिया। डिजिटाइजेशन के बगैर आज के दिन में हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है। बंदा जर्मनी में बैठा है, यहाँ जो बंदा लेटर से गुजरात में बैठा है, क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्टर जहाँ पे बैठा है रिमोट से हमारे प्रोडक्ट की पूरी इंस्पेक्शन कर रहा है वो डिजिटाइजेशन के थ्रू। यदि डिजिटाइजेशन नहीं होती तो हम बिल्कुल फेल हो जाते ना एक्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी के सपने के साथ, उनके मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे KL बंसल कंपनी को हर वो मुकाम दिलाना चाहते हैं। वक्त कैसा भी हो, दौर कैसा भी हो, बंसल साहब ने कंपनी के हर कर्मचारी को परिवार की तरह सींचा है।
और उसी का नतीजा है कि मुश्किल वक्त में भी अड़े हैं, खड़े हैं और डटे हैं। जो भी गवर्नमेंट के SOPs थे, जो हमने अपने कंपनी के हिसाब से SOPs बनाए, हमने बहुत ही उसको स्ट्रिक्टली उनको पालन किया है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का काम हो, चाहे वो मास्क पहनने का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, प्रैक्टिकली सबकी पेमेंट, वर्कर की स्पेशली, सबकी 100% पेमेंट की है पूरे पीरियड के लिए, किसी का भी एक भी पैसा काटा नहीं है। DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स का गोल सेट है। उम्र के इस पड़ाव में भी मंजिलें फिक्स है। KL बंसल का मानना है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो और उसके साथ तब तक जियो जब तक वो मिल न जाए। फ्यूचर गोल ये है कि अभी हम अपने आप को वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से मानते हैं जो हमारे फील्ड में है। मतलब एट द अर्लीस्ट वी शुड बी टचिंग ऑलमोस्ट 1,000 crores टर्नओवर और वी शुड बी अमंग द फर्स्ट 5 पीपल। KL बंसल का सक्सेस मंत्र देश की हर कंपनी के लिए नंबर 1 बनने का पहला और आखिरी तंत्र है, जिसे हर देशवासी को सुनना चाहिए या यूं कहें कि गांठ बांधकर इस पर अमल भी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन एंड ऑनेस्टी। और मैं किसी चीज़ को कुछ नहीं इंपॉर्टेंस देता, टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। आप काम उतना करो जितना कर सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ करो। आपका एप्टीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए कि मेरे को फेयर काम करना है, डिजिटाइजेशन के साथ चलना है। लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के 3 बिजनेस बादशाहों की कहानी का सार आपके लिए, हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ इतना है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते।